ये देख रहे हो गाइस, ऐसा होता है कि क्या बताया आपको, जो आपको पहले भी बताया, जो कबूतर होता है ना वो बहुत गंद फैलाता है, वैसे ही आज भी हुआ है। मम्मा ने चावल रखे थे यहाँ ऊपर ओपन में सुखाने के लिए, ताकि मम्मा उसकी मूढ़ी बना सके, लेकिन क्या होता है कबूतर कहीं से आता है पता नहीं। मम्मा ने इतने दिनों से रखा था, कुछ नहीं हुआ था, आज ऑल ऑफ अ सडन कबूतर कहीं से और इसको नीचे गिरा दिया, और देखो सारे चावल वेस्ट कर दिए, सारे चावल गंदे कर दिए, काम के बचे ही नहीं आदम। बाकी गाइस आज है नेक्स्ट डे, ये है नेक्स्ट व्लॉग, कल है मेरा एग्जाम तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लगाऊँ। आज मम्मी पापा और भी लोग गए हैं, सारे रोहिणी दीदी के साथ, उनके ससुराल, जो ऐसे आपको पता है जब बहन की शादी हो जाती है तो भाई लोग सारे जाते हैं बहन के साथ ससुराल, वैसे आज सारे लोग गए, मतलब मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स गए। अभी फंक्शन है वहाँ भी सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ भी वेलकम करेंगे दुल्हन का, तो वो सब होने वाला है। मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरा एग्जाम है कल यार, वरना मेरा भी बहुत मन था जाने का यार, बट चलो क्या कर सकते हो, है नहीं लिखा हुआ अब नसीब में, वो तो हो नहीं सकता है भाई, ना उसको हम ज़बरदस्ती बदल सकते ना उसका कुछ कर सकते। बाकी मैंने मम्मा को वैसे बोला है कि थोड़ी बहुत वीडियोस बनाना, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ यार कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। और वैसे भी काफ़ी लोग बोल रहे थे आंटी जी ने साड़ी ली क्यों ली, उन्होंने पहनी तो है नहीं, तो बेसिकली मम्मी ने साड़ी उसी इवेंट के लिए ली थी कि वो वहाँ जाके पहने, तो इसलिए मैंने मम्मा को बोला है अपनी साड़ी में फोटोज़ भी लेना, वीडियोज़ भी लेना, वो भी दिखाना वहाँ का माहौल कैसा है क्या चल रहा है वो सब भी दिखाना, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, इसमें आपसे एक और चीज़ शेयर करनी भूल गया था यार, जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब शादी से पहले हमने सबको बुलाया था डिनर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लान में कुछ चेंजेस आ गए थे, डिनर सबका होटल में था, लेकिन फिर हमने सोचा था डिनर तो रखेगी रखेगी लेकिन पोस्टपोन कर लेंगे बेशक, तो डिनर पोस्टपोन होके कल रात को था, तो हमने सबको कल रात को डिनर पे इनवाइट किया था, सब लोग आए हुए थे, सारे फैमिली वाले आए थे, रूबी दीदी, जीजू, बड़ी मम्मी, डैडी पापा, रोहिणी दीदी और नैन्सी दीदी नहीं आ पाए थे क्योंकि वो रोहिणी दीदी की ससुराल की तरफ निकल गए थे। ऑलमोस्ट 19 से 20 लोग था कल घर पे, तो सबने मिलजुल के डिनर किया, बातें की, मजे मारे। बाकी फिर आज सबने जाना था रोहिणी दीदी के ससुराल, तो आज सब चले भी गए एक साथ, तो मार रहे हो गए सब मजे भाई, मगर हमारी किस्मत में था नहीं, तो हम यहाँ बैठे पढ़ रहे, क्या कर सकते हैं, तो चलो पढ़ भी लेते हैं भाई आगे, ताकि पेपर अच्छे से हो जाए। तो जी कैसे आप सब, ठीक है कि नहीं, हम भी बढ़िया है, आप भी बढ़िया होने चाहिए। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइज। फाइनली मैं एग्ज़ाम दे के आ गया हूँ, अपना दूसरा एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है मेरा दूसरा एग्ज़ाम। एक आध चीज़ थी जो नहीं आती थी, वो भी जैसे तैसे मैंने कर ली, बट ठीक हुआ एग्ज़ाम मेरा ऑल टुगेदर। खाना वगैरह अभी खा लिया, बस अभी चाय पीने का टाइम है, तो चाय पी रहे थे अभी मैं, दादी और भैया, दादी भैया ही है अभी यहाँ पर, क्योंकि मम्मी पापा तो जैसे मैंने आपको बताया रोहिणी दीदी के ससुराल गए, क्योंकि वहाँ भी रिसेप्शन थी, तो वो लोग भी वापस आने वाले, बल्कि निकल भी गए वहाँ से, तो बस उन लोगों का इंतज़ार है कब तक वो आता है, फिर देखते क्या क्या वीडियोज़ मम्मा बना के लाए, क्या क्या हुआ है वहाँ। बोलते ही रहे थे कि भाई जितनी कसर थी ना सारी निकाल दी वहाँ पर, इतना नाचा गाया खाया पिया ऐश की ना क्या बताए। तो मेरे को बड़ी जेलिसी हो रही थी यार, मैंने मिस कर दिया भाई, मैंने मिस कर दिया, मेरे को फोमो हो रहा था लिटरली यार, बट चलो भाई जो किस्मत में नहीं वो नहीं। बस बाकी दादी से पूछता हूँ, दादी को कैसी लगी वेडिंग, मतलब मज़ा भी आया उनको कि नहीं आया, तो उनका भी रिव्यू पूछते एक बारी। आप मेरे को बताओ शादी कैसी रही आपकी, मज़ा आया आपको शादी में, है आपकी अब आखिरी पोते की शादी होगी अब तो। तो मजा ऐसा ना बेटा, मेरे को तो क्यों नहीं आना था मजा, मेरी तो पोती थी हैं, मजा तो पता नहीं किस किस को मजा आया होगा सबको दादी, सबको सबको बहुत अच्छी शादियां से देखी ना, मजा बस वहाँ का हो गया, बिजनौर का मेस बोलते जितना कसर बची थी वो वहाँ निकाल दी उन लोगों ने। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारा धन्यवाद, भगवान राजी खुशी रखे अच्छी तरक्की दे अच्छा, हर एक बातों से हर एक ये अच्छा होना चाहिए। कभी कभार जो किस्मत में नहीं होता उसका कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे मेरा बिजनौर जाना, वो किस्मत में नहीं था तो जाना नहीं हो पाया, क्योंकि एन मौके पर मेरे एग्ज़ाम्स आ गए, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो गए, और मैंने उनके हवाले अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि उन पलों को मैं भी इंजॉय कर सकूं और आप लोगों को भी इंजॉय करवा सकूं। सो इसके बाद जो भी आप देखोगे वो मम्मी और पापा द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, होपफुली यू इंजॉय इट। Kill the bird.
गाड़ियों का काफिला कुछ आगे कुछ पीछे, गाड़ियों का काफिला कुछ आगे कुछ पीछे। ये हमारा रूम, हम यहाँ पे आए हैं रोहिणी के साथ और आज उज्वल की जगह मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि उज्वल पेपर में बिजी है, उज्वल की जगह आज मैं काम कर रही हूँ इसकी हेल्प करने के लिए। मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी, जितनी मेरे से हो सकती है ज़्यादा तो नहीं। ये बैठे हमारे बाबू जी, ये बाहर सिटी, ये बिजनौर शहर। उज्वल के एग्जाम थे इसलिए उज्वल नहीं आ सका, आज उज्वल की जगह ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। पता नहीं मैं अच्छा करती हूँ कि पता नहीं कैसा करती हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, जो भी आए पसंद कर रहा हूँ उसको। आप सबने उज्वल की जगह ब्लॉगिंग कर रहे हैं। रोहिणी की शादी के अवसर में आज हम बिजनौर आए हैं लड़की के साथ। अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ बिजनौर पहुँचे हैं, आज हम यहीं पे होंगे, कल सुबह जब हम वापसी जयपुर जाएंगे। उज्वल नहीं आ पाया क्योंकि उज्वल के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज जो ना उज्वल की मम्मी जो ना ब्लॉगिंग कर रही है। नहीं मैं पता नहीं कितना अच्छा करता हूँ कि नहीं। कैसे कर कैसे को तो मम्मी के लिए जो साड़ी ली थी वो ये लुक है जी साड़ी का। अब आप इस पे कमेंट में बताना कि भई आपको साड़ी कैसी लगी जो उज्ज्वल ने अपनी मम्मी के लिए चूज की थी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कमेंट आए थे आपके कि भई साड़ी जो है ना बहुत बढ़िया है। और अब आप लोगों से द्वारा अनुरोध है कि भी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना। कैमरे के आगे मामू उस वाली कैमरे के आगे। अंजू के साथ कब चल रही भाई डिस्टेंस। Stranded on the carpet, head on to the faucet, you're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. We made a joke about the half-cut Asian metaphor and lady made her cry. Changing in the sun.
to start the day. I'm standing on the space, I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. Cause everybody around me's feeling sorry for himself. भी पापा मम्मी ये वाला चश्मा गाड़ी में खरीदा है, और ये वाला चश्मा मेरा सबसे पहला चश्मा जो मैंने रेबैन खरीदा था, मुझे याद है मैंने 10th क्लास में था, उस टाइम हम गोवा जा रहे थे, गोवा मुंबई का सफर था हमारा, उस टाइम पापा ने लेके दिया था मुझे ये रेबैन, मैंने तब से लेकर इतना संभाल के रखा था, फिर कुछ टाइम बाद मैंने पापा को वापस दे दिया था ये रेबैन, मैं बाकी अभी गाड़ी में भूल गए थे तो अच्छे टैक्सी वाला नजदीकी था तो उसको फोन करके वापस मंगवा दिए थे, तो जल्दी जल्दी अभी लेने का था लिया है, और बाकी घर वाले पहुंच चुके, उनसे एक्सपीरियंस पूछे कि कैसा रहे शादी का, बोल तो बहुत रहे भाई, क्या मजे किए, क्या खाते हो, बाकी सब कुछ बहुत खरीदी था, और आपको सामान भी दिखाता हूँ कितना सामान भी उन लोगों ने। और जी हमारे बीच वापस आ चुके हैं हमारी मम्मी शादी इंजॉय करके, जेले सुन थोड़ा मैं आपसे देख लो शादी इंजॉय करके आगे सही बात है, पहले सिर्फ मेरा और पापा का था जाने का, पहले थी भी नहीं प्यार, मेरा अंजल वहाँ का था तो मैं चली गई, और मेरा नहीं था तो मेरा तेरा था नहीं तो तू रह गया। कैसी रही ये बताओ, बाकी छोड़ो, बहुत मजे, बहुत एंजॉय किया, मजा है बहुत ज्यादा, कैसी थी खातिरदारी सब कुछ है, जगह कैसी, और जगह भी अच्छी थी, तो कुछ तो बताओ यार, वेन्यू दोनों बहुत अच्छे, अच्छा नाच के तो बंदे आ रहे नहीं लाएगी, रात को 1:30 बजे नाच है, ओ माय गॉड, डांस का, अच्छा स्पेशली डैडी पापा, अच्छा एनर्जी है बंदे के अंदर सच में, यहाँ की कसर निकाल गया भाई बंदे सारे, वहाँ सारी की सारी कसर, मतलब यहाँ मिला नाचने को लेकिन थोड़ा कम मिला, तो सोचा उन्होंने कि भाई कसर निकालो, यही मिलेगा मौका, एक रात है, जब नाटी लगी ना वहाँ के लोग भाग गए, क्योंकि उनको पता है वो तो बेचारे हैं ऑब्वियसली, मैं तो जा नहीं पाया तो मेरा काम मम्मी करके आई इस बार, मैं मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहता था कुछ मोमेंट्स मैं भी देख सकूं, एंजॉय कर सकूं, आपको दिखा सकूं, धन्यवाद, अरे क्या बात है, बड़ी बड़ी माँ बाप इतना बहुत कुछ करते हैं हमने, क्या अरे अरे मम्मी का रिव्यू तो हो गया कि उनको कैसी लगी शादी, अब मैंने सोचा पापा और गुड्डू पापा से पूछा जाए कि उन्होंने कितना एंजॉय किया और उनको कैसा फील हुआ वहां जाके, हाँ जी कैसी रही शादी, फिर मजे मार के आ गए आप लोग फाइनली, शादी तो अपने आप में एक मतलब आज तक की शादी में नंबर वन थी, अच्छा जी, मतलब वहाँ का जो हर अरेंजमेंट जो था ना लाजवाब था, खाने पीने का बताऊँ मैं आपको तो, हाँ। कम से कम 1 किलोमीटर में होगा, अच्छा जी, मतलब आइटम इतनी ज्यादा थी, हर चीज स्नैक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, क्या वैरायटी थी, खाना सब खा लिया तो हमारा काला डिनर था, अच्छा जी क्या बात है, दिलेक फैमिली के लिए गाला डिनर, अरे क्या बात है, क्या बात, दिलेक्स एंड त्यागीज फैमिलीज उन्होंने गाला डिनर किया साथ में, क्या बड़ा बहुत बड़ा टेबल लगाया था, हाँ जी लगी थी, हाँ जी, तो हमने बड़ा एंजॉय किया, नाटिया हमने पहाड़ी भी डाली, पंजाबी भी चला, हिंदी भी चली, फिल्मी जो सारे गाने, क्या बात, इतना हॉस्पिटैलिटी, मतलब रियली अप्रिशिएबल की नानंदो ने और सार्थक ने, रोहिणी ने, हाँ जी, मतलब एक एक आदमी को, अच्छा जी, बार बार पूछते रहे कि क्या है, कैसे खाने पीने के लिए, क्या रहने के लिए, कैसे कोई दिक्कत हो रही, मतलब बार टाइम एंड अगेन, क्या तो इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा कि जाके कि भी हम कैसी जगह में आए, कितना जगह कैसी लगी आपको, जगह बहुत बढ़िया है, अच्छा जी, एक्चुअली गंगा साथ में, अरे यार क्या बात, चारों तरफ ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, अच्छा जी, गंगा की वजह से जी का दर्शन भी हो गया, इसी बात, हाँ चलो ये भी हो गया, सही बात है, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा फंक्शन था, अच्छा बहुत ही बढ़िया, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ वहाँ जाके, जब हम यहाँ से गए थोड़े रास्ते में तो हम भटके, उससे क्या हो गया हमारा टाइम बहुत लग गया पहुँचने में, हाँ सही बात है, पहुँचते हुए आपको काफी टाइम लगा, कोई लाइव लोकेशन भेजता है, कभी कोई भेजता है, दैट क्रिएट कंफ्यूजन, फिर भी चलो जैसे कैसे हम कोई 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच गए, पहले उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया हमारा, प्रेम भाव से उन्होंने हमारे को रिसीव किया, अच्छा उसके बाद हमारे को जो ना फिर होटल में रेफर किया गया कि चलो जब आप लोग पहले नहाओ धो रेस्ट करो, फिर जो ना हम उसमें गए क्या कहते हैं जो उनका डिनर पार्टी थी, तो देट वॉज वेरी मतलब अल्टीमेट वहाँ पे ना, अच्छा जी, लॉट ऑफ आइटम्स, क्या बात है, बढ़िया बड़े सिस्टमेटिक वे से वेटर्स थे सर्व करने वाले, अच्छा जी, और आपका ग्राउंड इतना खुला था कि भी जिसका कोई हिसाब नहीं है, बाकी उसके बाद फिर मान सिंह का कार्यक्रम हुआ, फिर लास्ट में जो ना हमारे लिए अरेंज किया था उन्होंने गाला डिनर, उसमें भी सर्विस एक मतलब एक अलग तरीके की सर्विस थी, उसमें बड़े अच्छा बड़े थालियां रखी हुई, अच्छा उसमें बाउल पहले रखे हुए, हमारा अच्छा ओके, हाँ जैसे महाभोग होता है, क्या बोलते हैं जिसको,
वेटर जो ना आ रहा है एक एक चीज के लिए पूछ रहा है ये दारू जी ये तो, हाँ, ये जन, 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 जन. तो देयर वर वेरियस आइटम्स तो हमने सबने बैठ के बहुत अच्छे उससे मतलब खुशी खुशी सबने डिनर किया हुए तो उसके बाद जो ना इमीडिएटली फिर डांस के लिए फिर चले गए पचाने उसमें तो खैर साथ कोई नहीं था तो बच्चे तो बैठे रहे सर रात उस वक्त 5 बजे सोए अच्छा जी और 8 बजे फिर ब्रेकफास्ट करने बट दे प्रेजेंटेड अस लॉट ऑफ गिफ्ट्स आल्सो मैंने कहा रोहिणी को कि मैंने ये गिफ्ट्स यार क्यों दे रहे क्यों बोझ डाल रहे हमारे हाँ जी क्या बोझ लग रहा है गाड़ी में बोझ जाएगा क्या तो अलग से गाड़ी भेज दी उसके लिए सही बात सेवा सही बात बहुत ज्यादा सेवा की उसने अच्छा देखा हम लोग नहीं जा पाए नहीं निकल रहा दादी अब रहेगी दिल में रहेगी तो मजा आता सब क्या करे सही बात चौकी ना है ना खातिरदारी का मजा हम भी उठा लेते हैं कि मैं बाप को गिफ्ट दिखाता हूँ ये सारे है भाई गिफ्ट जो उन लोगों ने हमें दिए तो ये देखो है ना एक हो गया ये हैम्पर ठीक है दूसरा हो गया ये हैम्पर जिससे थोड़ी बहुत चीजें निकाल दी गई है फिर साथ में दिया एक मिठाई का डब्बा भी नहीं ये है स्पेशल भाजी शायद इसमें ड्राई वो है ना जाए जितने ड्राई स्नैक्स जितने भी होते हैं वो सारे हो गए इसमें और साथ में दिए भाई 2 लंच बॉक्सेस देखो भाई इतने प्यारे से लंच बॉक्सेस है मतलब कभी भी आप कभी पिकनिक पे जाओ या कहीं ट्रैवल करो तो उस टाइम यूज आने वाली चीज है सारा सामान दिया देखो 1 2 3 4 5 चीजें भाई खतरनाक नेक्स्ट लेवल और जिस हिसाब से शादी बता रहे वो सोच के तो फिर मुझे और भी ये लग रहा है भाई क्या क्या नहीं होगा वहाँ सोचो यार तो थोड़ी बहुत जेलिसी भी हो रही है मगर चलो थोड़ा बहुत खुशी भी हो रही है कि चलो सबने मजे मारे सबने एंजॉय किया और अच्छे से सब कुछ निपट गया यही चाहिए था भाई अपने को तो बस इतना ही था जो मैं आपको बताना चाहता था दिखाना चाहता था अपनी तरफ से होपफुली आप लोगों को मजा आया हो जितना भी मैंने अपनी तरफ से दिखाया ताकि चलो अब है डिनर करने की बारी क्योंकि बहुत तेज लगी है दाल मैंने बना दी है और बस मम्मी ने भी चावल डाले साइड बाई साइड आटा गूंद लिया गया निकालते चपातियाँ डालते और खाते क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है भाई बाकी ऑल टुगेदर मजा आ गया भाई सुन के भी देख के भी होपफुली आपको वीडियोस देख के मजा आया मम्मी ने पूरी कोशिश की मम्मी पापा ने अपनी तरफ से मैंने इनको एक छोटा सा काम दिया था मैं यार देखो मैं तो हो नहीं पाऊंगा आप लोग मेरी तरफ से कोशिश करना जितना भी कर पाओगे जितना भी आपको जैसा लगे मगर भाई तबाही खेल लोगे ने बाकी आप बताना आप लोगों को कैसा लगा इनका फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट तो नहीं पापा का तो दूसरा लेकिन मम्मी का फर्स्ट है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में बाकी अभी के लिए चलते फिर मिलते हैं Made a joke about a half-cut egg.